हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज डॉक्टर निशा एंड इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिस्पस सो आज के रेमेडी में हम लोग पर्टिक्युलर्स नहीं देखेंगे बट रूमिक्स क्रिस्पस के हम लोग गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ठीक है मतलब एक्यूटली हम लोग रूमिक्स क्रिस्पस बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन फॉर व्हाट कंडीशन टूडे वी आर गोइंग टू सी दैट दिस इज मोर ओवरली वेरी मच ऑफ प्रैक्टिकल यूज एंड एज वेल एज फॉर एग्जाम पर्पज बट इतना भी एग्जाम पर्पज के लिए नहीं है जितना की प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ये इम्पोर्टेंट ड्रग है ठीक है सो रूमिस इज बीन आस्ट फॉर एग्जाम फॉर फाइव मार्क्स कॉमन नेम इज येल्लो डॉक कर्ल्ड डॉक ठीक है येल्लो डॉक या फिर कर्ड डॉक जोस लीन इसके प्रूवर है Polygoniac, इसकी फैमिली है नाउ रूमिक्स क्रिस्पिस इज बीन गिवन फॉर स्किन डिजीजेस एज वेल एज वेन इन द सिम्टम्स आर दिम्टम्स वेन रेमेडी कब दी जाती है तो रेमेडी है ना स्किन स्किन uh, के सारे सिम्टम्स के लिए दी जाती है कॉफ के सारे सिम्टम्स के लिए दी जाती है कोराइजा के सारे सिम्टम्स के लिए दी जाती है एनी काइंड ऑफ चेस्ट या फिर थोरासिक अफेक्शन उसके लिए हम लोग ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो रूमिक्स क्रिसमस एक ऐसी रेमेडी है जो कि है ना आपके लंग्स पे चेस्ट पे बहुत वंडरफुली एक्ट करती है आपके स्किन पे बहुत वंडरफुली एक्ट करती है तो कब एक्ट करती है और कैसे एक्ट करती है ठीक है तो क्लिनिकली इट इज गिवेन फॉर एबडोमिनल डिसऑर्डर्स ऑफोनिया, एस्तमा ब्रोंकिटाइसिस ब्रोंकाइटिस कट्टार कॉफ कोराइजा डायरिया होर्सनेस थेसिस रोमैटिजम स्किन अफेक्शन थ्रोट एंड लंग अफेक्शन अर्टिकेरिया ठीक है फॉर ऑल दिज कंडीशन कैन बी प्रिस्क्राइब बट उसका स्पीयर ऑफ एक्शन कहां पे है दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इज रोमेक्स क्रिस्पिस इज मोस्टली एक्ट अपॉन द म्यूकस मेम्रेन ऑफ द लैरिंग स्ट्रकिया ब्रोंकाय ब्रोंक्यूल्स म्यूकस मेम्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्कीन तो रूमिक्स uh, क्रिस्पिस का स्पीयर ऑफ एक्शन मोस्टली मैंने जितने भी आज तक प्रिस्क्राइब किए रूमिक्स रोमेक्स रेमेडी वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकियल रॉन्गियल ट्रकियल अफेक्शन लैरिंगजियल अफेक्शन देन कॉफ इसमें ही प्रिस्क्राइब किए एंड फॉर द स्किन कंप्लेंट्स ठीक है तो मैं आपको एक केस uh, बताती हूँ तो मेरे पास है ना एक पेशेंट आए थे फॉर uh, शी गॉट injured मतलब वो गिरे थे स्कूटी से और उनके है ना लेफ्ट साइड चेस्ट पे बहुत ज्यादा लगा था अः ब्लंट इंजरी थी कुछ नहीं हुआ था जस्ट uh, उनका हल्का सा uh, लगा था उनको और उसके बाद से इमिडिएटली उनको है ना मतलब नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में उनको बहुत ज्यादा कॉफ देन कोराइजा ऐसा स्टार्ट होने लगा ठीक है तो ये सब कुछ स्टार्ट होने के बाद वो पेशेंट मेरे पास आए तो है ना तब जब वो पेशेंट मेरे पास आए थे ना तब ना मैंने उनको रोमेक्सम टू हंड्रेड प्रिस्क्राइब किया स्टैट डोज में मतलब आज एक और कल सुबह और शाम ऐसे तीन डोसेस मैंने दिए थे उनको ठीक है तो शी वॉज वेरी मच इंप्रूव्ड इन हर कॉफ मतलब बहुत वंडरफुली उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया कि है ना बिल्कुल भी उनको कॉफ नहीं हुआ था बिल्कुल भी उनको ऐसे आ, जैसे गले गले में उनको है ना ऐसे खराश जैसे हो रही थी वो कभी भी नहीं हुआ उन पंद्रह दिन में ठीक है पर उसके बाद में उनको आफ्टर फिफ्टीन ट्वेंटी डेज में स्किन पे कुछ अफेक्शन स्टार्ट हो गए ऐसे पीठ पे उनको रैशेस आने लगे कि वो थोड़ा सा है ना थोड़ा सा भी उसको टच करते हैं, वो थोड़ा खुजली करता था हाँ उसके बाद वो कपड़े निकालते थे या फिर कपड़े पहनते भी थे ना जब भी वो कपड़े ऐसे निकालते थे और बात करके आते थे और कपड़े पहनते थे ना दैट टाइम उनको बहुत ही ज्यादा इचिंग था बहुत ही ज्यादा इचिंग था दैट वॉज सीवियर इचिंग विथ रेडनेस ठीक है एंड देयर इज पैपुलर रैश अराउंड देयर बैक सो ये सारे सिम्टम्स कलेक्टिवली ना मैंने लिए और सिर्फ और सिर्फ मैंने उनको बोला कि ठीक है आपके पास अगर रूमेक्स का है ना एक डोज होगा ना तो आप एक डोज ले लो आ, अभी और एक शाम को ले लेना एंड देन मुझे कॉल करना तो उन्होंने एक डोज अभी लिया और एक डोज uh, मैंने फोन पे बोला तब लिया और एक डोज रात को लिया एंड शी इमीडिएटली कॉल मी एट नाइट वो डोज लेने से पहले ही उन्होंने फोन किया था तो बोल रहे कि लिटिल uh, मुझे ठीक लग रहा है मैंने बोला कि ठीक है आप फिर से एक बार रिपीट करो नेक्स्ट मॉर्निंग वन शी अप देर वॉज नॉट सिंगल डॉट ऑन द स्किन वो ऐसे लग भी नहीं रहा था कि है ना वहां पे कुछ रैश होके गया या फिर कुछ ऐसे होके गया सारा का सारा रैश क्लीन एंड क्लियर हो गया था जैसे कि कुछ था ही नहीं कभी वहां पे सो दिस इज मैजिकल मैजिक ऑफ रूमिक्स क्रिस्पिस दिस इज हाउ द होम्योपैथिक यू एक्स द एग्जैक्ट सिमिलिम टू पेशेंट ठीक है ये एक्यूट केस था इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ सिम्टम्स पूछे नहीं बट आई टुक द की नोट सो ध्यान में रखना कि वेन यू आर प्रिस्क्राइबिंग फॉर द एक्यूट कंडीशन ट्राई टू सी की है ना आप लोग की नोट सिम्टम्स के ऊपर दे रहे हो पेशेंट को रेमेडीज ठीक है एंड Agar you na uh, chronic cases, nikalne, that time you see pathological symptoms, pathophysiological symptoms, mental symptoms, miasms, everything you have to see in the chronic cases. But in the acute cases, you have to see the PQRS symptoms. Then the, uh, you know, quick prescriptions uh, is to be made. Hai? So, this was the skin complaint and the cough complaint of the patient. Now, pathogenesis. इट डिमिनीसेंटी ऑफ द लैरिंग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो यहाँ पे क्या होता है ना अगर म्यूकस मेम्रेन जमा हुआ है ऐसे खर खर गले में खराश ऐसे कुछ लग रहा होगा ना वो डिमिनिश करता है वो है ना खत्म करता है दैट दे आर यू नो मेकिंग दम की वो निकाल देता है जैसे पहले जैसे बना देता है सारा म्यूकस सिक्रीशन जो रहता है ना वो लिक्विफाई uh, होता है लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी हमको कॉफ होता है और कुछ भी कौफ के, कौफ के हम लेते हैं ठीक uh, you know, uh, kind of है तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन टू द रूमेक्स रूमिक्स क्रिस्पिस नाउ कॉन्स्टिट्यूशन सो वॉट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इट इज तो ये किस पेशेंट को दी जाती है तो यूजली इट इज गिवेन टू अ थी पेशेंट है ऐसे ही जो मेरे पेशेंट मैंने आपको बताया था वो जो गिरे थे स्कूटी से एग्जैक्टली द लेडी वॉज लाइक दैट ओनली ठीक है द रिलेशनशिप ऑफ हीट मतलब थर्मल्स पेशेंट इज वेरी चिली वेरी चिली ठीक है तो दिस वॉज द परफेक्ट रेमेडी विच आई मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट का मैंने थोड़े बहुत सिम्टम्स पूछे थे तो मैंने थर्मल्स भी पूछे थे उसको क्या थर्मल्स पूछे थे कि ना, उनको ना बार बार कभी भी है ना वो, वो इसे थोड़ा बहुत भी ठंडा खा लेती थी थोड़ा बहुत भी है ना कुछ ठंडे में चली जाती थी फैन लगा लेती थी एसी कूलर कुछ भी ऑन कर लेती थी उनको है ना सर्दी पकड़ लेती थी दिस वॉज द अगेन साइन की है ना वो ही Uh, or she is a uh, chilly patient. So, then this again comes under the rhumics, Crispus, myosin, sora is in the background. then diathesis, tubercular diathesis, tendency to get tuberculosis, chest affections, and pneumonia past history. it could be, it could be. so this is the, uh, you know, key indication of yeah, exact uh, similar medicine for the patient. then guiding symptoms.

होता था ठीक है देन कॉफ इज वर्स बाय चेंजिंग एयर और अ रूम दिस इज अगेन अ की नोट सिम्टम्स इन चिली पेशेंट एग्रीवेटेड बाय कोल्ड इन जनरल एंड लीव बाई वॉर्म एंड कवरिंग लेफ्ट लंग स्पेशली लोअर लोब एंड प्रोमेंटली अफेक्टेड उनका लेकिन राइट साइड में वो गिरे थे नॉट लेफ्ट नॉट ऑन द लेफ्ट साइड एंड uh, जहां पे उनको लगा था उधर कुछ भी दर्द कुछ भी दर्द नहीं था उसके अपोजिट साइड में उनको दर्द था uh, वो बोल रहे थे पता नहीं उनको लगा था नहीं नहीं लगा था क्योंकि वो गिरने के पंद्रह दिन बाद मेरे पास आए थे उनको है ना हेयरलाइन क्रैक भी बताया था जो कि है ना उन्होंने स्ट्रैपिंग करके ठीक कर दिया वी कैन डू एनी थिंग टू द रिप फ्रैक्चर सो वी जस्ट डू दी स्ट्रैपिंग अराउंड दी हैंड्स एंड चेस्ट तो उतना वो करके आए थे और शी वॉज बेटर बाय दैट and unko bola tha complete bed rest but uh, till 15 days and after 15 days she can uh, literally uh, move for uh, you know some kind of her self works so she uh, came directly to me uh, and she told all the symptoms and i gave her and she was wonderfully uh, fit and fine and again i started her with the potency of uh, Symphytum 200 for her fracture site and Arnica for her pain and blunt injury site. And she is doing very well. Now, uh, it's been three months, I guess. Yeah, three months and she is wonderfully well. And after the repetition of the chest x-ray, she is you know, she has improved in her condition uh, wonderfully in the uh, fracture condition. Okay, With the strapping I have given the Symphytum. So make that a point. Okay, then uh, touching the throat pit. ब्रिंग्स ऑन पैराक्सिजम्स ऑफ द कॉफ मतलब थ्रोट पिट पे अगर कुछ भी कुछ भी अगर है ना वो खा लेती है हवा चली जाती है कुछ भी ऐसे कर लेती है ना ऐसे जो आवाज निकालते थोड़ी बहुत तो उनको है ना कॉफ के पैराक्सिजम्स आते है ऐसे वो पेशेंट होते हैं फिर इरप्शन ऑन वेरियस पार्ट विच आई है कोल्ड एंड कोल्ड एयर एमरेटेड बाई द वॉर्म एंड कवरिंग सो यू ना जब भी भी अंड्रेसिंग करते हैं जब भी, भी कपड़े निकालते हैं क्रिस्पिस। जब भी भी हम लोग बाथिंग से बाहर आते हैं हवा लगती है ठंडी और स्किन एरप एग्रीवेट होते है रोमिक्स क्रिस्पिस ठीक है सो दिस वॉज द रूमिक्स क्रिस्पिस का सारे के सारे यू uh, नो you know, क्या सारे सिम्टम्स ठीक है सो so, ये गाइडिंग सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आप लोग सब कुछ लिख सकते हो ये मैंने पूरा यू नो समरी ऑफ द रेमेडी निकाली है एंड आई हैव यू एंड प्लीज डू परचेज दिस बुक फॉर योर एग्जाम पर्पज दिस इज टेक्स बुक ऑफ मटे मेडिका बाय एस के दुबे हियर यू हैव बिन गिवन ईच एंड एवरी रेमेडी इज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो आप ये uh, ये बुक खरीदना मेरे वीडियोज भी साथ ही साथ में देखना एंड टेक आउट योर नोट्स ऑल टूगेदर देन यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम यू विल बी गुड टू गो टू सिक्योर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन ठीक है सो या दिस वॉज इट दिस वॉज टुडेज वीडियो दिस वॉज टुडेज ड्रग दैट इज रूमिक्स क्रिस्मिस आई होप यू अंडरस्टैंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर इफ डू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड टिल देन स्टे टून फॉर द नेक्स्ट वीडियो